स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टर एनालिसिस फैक्टर एनालिसिस एक्चुअली इज़ अ मैथड ऑफ स्केल वैलिडेशन हम जब कोई मैयर डवेलप करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनी बिहेवियर एनी कॉन्सेप्ट तो उसके लिए जो आपने एम्पेरिकल मैयर डवेलप किया है तो उसको हम वेलिडेट करते हैं तो उसकी वैलिडेशन का जो प्रोसीजर है स्टेटिस्टिकली उसको हम फैक्टर एनालिसिस करते हैं फैक्टर uh, एनालिसिस को एक अच्छा टूल समझा जाता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ़ आइटम्स इन स्केल यानी इससे हम डाइमेंशंस भी रिड्यूस कर सकते हैं और इससे हमें पता चलता है कि जो अवेलेबल पूल ऑफ आइटम्स हैं उसमें से कौन सी आइटम्स जो हैं वो जो बेस्ट सूट uh, कर रही हैं आपके स्केल में और जो ज़्यादा वेरिएंस एक्सप्लेन कर रही हैं आपके कॉन्सेप्ट का या जो ज्यादा कोहेरेंट है विद ईच अदर तो फैक्टर एनालिसिस की अगर बात करें तो इसकी दो टाइप्स है एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस जिसको ई एफ ए भी कहा जाता है और कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस जिसको सी एफ ए कहा जाता है तो ई एफ ए की अगर बात करें तो ई एफ ए यूज्ड यूज टू डिस्कवर द फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ अ मैयर एंड टू एग्जामिन द इट्स इंटरनल रिलायबिलिटी हमने थे थोरेटिकली कुछ पढ़कर एक मैयर डेवलप कर लिया उस मैयर के लिए हमने एक सेट ऑफ आइटम्स बना लिया अब हमें ये नहीं पता कि इन सेट ऑफ आइटम्स में से कौन सी आइटम्स जो है वो बेस्ट सूटेड है टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड uh, कौन सी आइटम्स हैं जिनको इस मैयर में फाइनल uh, जो वो, वो मैयर डेवलप हो उसमें होना चाहिए तो उसके लिए फिर हमें ज़रूरी होता है कि हम एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करें तो इससे क्या होता है कि एक्सप्लोरेट्री फैक्टर्स में आप किसी एक फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ नहीं जाते बल्कि आप क्योंकि अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इस वजह से आप जो है डेटे की बेसिस से देखते हैं कि उसमें कितने फैक्टर एक मैयर में इमर्ज हो के आते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप जब ई एफ ए कर रहे होते हैं तो आप सब आइटम्स को चांसेस देते हैं कि वो तमाम जो है फैक्टर्स के ऊपर लोड हो सी एफ ए की अगर बात की जाए कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस की तो ये एक डिज़ाइन है यानि इसमें हमें पता होता है कि हमारे जो मैयर है उसमें कितने ही जो है फैक्टर्स हैं और एक फैक्टर के ऊपर कितनी आइटम्स लोड होगी और कौन सी आइटम्स किस फैक्टर के ऊपर लोड होंगी यानी हमने एक मैय डेवलप कर लिया होता है उसको टेस्ट कर लिया होता है हम उसको रीवैलिडेट कर रहे होते हैं उसकी प्रडिक्टिव वैलिडिटी चेक कर रहे होते हैं उसकी क्राइटेरियन वैलिडिटी चेक कर रहे होते हैं कि वो डिफ़रेंट सिचुएशंस डिफरेंट सेटिंग्स में कैसे आ, वो उसके रिज़ल्ट आते हैं तो उसके लिए हम कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं जिसमें हमें पता है कि वन आइटम ने फैक्टर वन पे लोड होना है या फैक्टर थ्री पे लोड होना है और किस फैक्टर में फॉर इंस्टेंस फैक्टर वन में कितनी आइटम्स लोड होनी है फैक्टर और कौन सी लोड होनी है फैक्टर टू में कितनी आइटम्स लोड होनी है और कौन सी लोड होनी है और फैक्टर थ्री में आ, कौन कौन सी आइटम्स हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या आनी तो फैक्टर एनालिसिस करने के लिए जैसे आपको पता है हम कुछ एक्जशंस हर टेस्ट के लिए करते हैं तो फैक्टर एनालिसिस के लिए भी है कि आपके जो आइटम्स हैं उनके डेटा में कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए सैम्पल साइज़ एडुकेट होना चाहिए अक्सर कहा जाता है कि जो है अगर सैम्पल साइज़ ठीक ना हो तो फैक्टर एनालिसिस के रिजल्ट्स ठीक नहीं आते तो अगर 300 प्लस 350 आपका सैम्पल है तो ये एक एडवोकेट सैम्पल साइज़ है इसमें मल्टी कोलेटि परफेक्ट ही होनी चाहिए यानी कोई ऐसी आइटम्स नहीं होनी चाहिए जिनमें एब रिलेशनशिप हो वैसे तो आइटम्स के दरमियान को जितना स्ट्रांग होता है वो आइडियल होती है कि वो एक ही स्केल में रखी जाए और वो नहीं होनी चाहिए जैसे हमने रिग्रेशन में पढ़ा था तो यहाँ पे भी है लीनियरिटी होनी चाहिए यानी लीनियर रिलेशनशिप्स होना चाहिए और तमाम आइटम्स जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल के तौर पे हमने महये की हो यानी वो नॉमिनल अगर कोई आइटम है या कोई ऑर्डिनल आइटम है तो उसको हम फैक्टर एनालिसिस में ऐड नहीं करते और तमाम आइटम्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए या पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए या नेगेटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए अगर कोई नेगेटिव डायरेक्शन में है कोई आइटम जैसे कि मयर्ज में होती है तो हम उसको रिवर्स कोडिंग करते हैं उसकी फिर फॉर द फैक्टर एनालिसिस तो ये आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया है फैक्टर एनालिसिस का तो आगे की एक्सरसाइजेस में हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे